नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी पीएससी एसटीए का प्रैक्टिस सेट छठा लेकर आया हूं। इस क्लास में प्रैक्टिस सेट सिक्स के 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले पांच प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये सभी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का प्रैक्टिस सेट है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर की संख्या जो है उसको बढ़ाते रहिए। तो प्रैक्टिस सेट सिक्स के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट सिक्स। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सामान्य अध्ययन से संबंधित पहला क्वेश्चन है। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका सही आंसर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, इनमें से आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुव्वत उल इस्लाम का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवगिरी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात करें तो 1873 ईस्वी में बंबई में ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू किया। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम जोम्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोम्स ने 1784 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था इनमें से, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधी, इसका सही जवाब बनेगा। चंपारण बिहार सत्याग्रह, जिसे प्रायः चंपारण नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के पश्चात यह गांधी जी द्वारा किया गया पहला सफल सत्याग्रह था 1917 में चंपारण के किसान। सेवन क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा, तो यहां पर सेवन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दो घंटा, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है इनमें से, तो एट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भालकुंड, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा, तो आप लोग नाइन का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ड्राकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, तो यहाँ पर आप लोग सही विकल्प का चयन कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में ड्राकिंसबर्ग पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है इनमें से, आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है और इस शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद एक में भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट इज, यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के
कल्याण का प्रबंध करना। अगला 13 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज इज इन इंडिया इंडिया रिप्रेजेंट शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ पर सभी ऑप्शंस सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर बनेगा। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और यहाँ पर गोरवाला समिति की अनुशंसा पर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में होगा, इनमें से आपको आंसर देना है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक है, और इस योजना में 8% विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्यान्ह भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है इनमें से। तो 16 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर, भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, इंडियाज पॉपुलेशन हैज द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ ड्यूरिंग। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 से 1971, इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है 18, दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबद्ध कहलाती हैं यदि उनके आयाम समान हो, आवृत्तियां समान हो, तरंग दैर्ध्य समान हो, कालांतर समान हो। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालांतर समान हो। अगला क्वेश्चन 19 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो 19 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरे से कांच में, इसका सही जवाब हो जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG मुख्य रूप से मिश्रण है, किसका है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मेनली मिक्सर ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो 20 के आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो 21 क्वेश्चंस के ऑप्शंस ये रहे, तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मिड, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 22 है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल पीने से मानव शरीर को 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 है, जल शक्ति मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हर घर जल घर तक पहुँचाने वाला प्रथम राज्य है। तो 28 के आंसर कि यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर है, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत की है। तो 29 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 30 है, राज्यों एवं हाल ही में उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों की सूची का मिलान करें। स्टेट एक तरफ है, दूसरी तरफ वर्क कार्य पहल दिया गया है। तो 30 के आंसर की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए का फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी, ऑप्शन सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकंड है, तो 31st का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का सेकंड, बी का, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ए का फर्स्ट और बी का सेकंड और सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट 32, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा नलकूप। नेक्स्ट है, यदि अध्यापन सीखने से संबंधित है तो उपचार संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, रोग निदान से। जिस प्रकार अध्यापन का संबंध सीखने से है उसी प्रकार उपचार का संबंध रोग निदान से है। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला में 50 गलत लिखा गया है, श्रृंखला में 50 के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जानी चाहिए थी, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 51 संख्या लिखी जानी चाहिए थी। नेक्स्ट है 37, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा असम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों के आधार पर विकल्पों का चयन करें, कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं। अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, इस टनल की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित छोटी ट्रेन का उद्घाटन 2 नवंबर 2020 को किसने किया है, तो 39 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पिनाराई विजयन। नेक्स्ट, लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर सतलज हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपने सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला पार्ट है कृषि से संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, 41 क्वेश्चन है, मार्मलेड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है इनमें से, तो यहाँ पर 41 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सावर ऑरेंज। नेक्स्ट, उच्च मादा नर फूलों के अनुपात वाली आंवले की किस्म इनमें से कौन सी है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, NA9। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर, फूल गोभी के तने के खोखलेपन का कारण इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरॉन की कमी। नेक्स्ट प्रश्न 44 है, निम्न में से कौन फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत है इनमें से, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पालक इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, अनानास के उकठा रोग का कारण इनमें से क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट 46 है, जौ की किस्मों में कौन सी नेमेटोड अवरोधी है, तो राइट आंसर राजकरण इसका सही आंसर बनेगा। माइक्रोनी गेहूँ अधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पर शुष्क परिस्थितियों के लिए माइक्रोनी गेहूँ अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, जीरो टेलेज की प्रथम सफल प्रयोग चारागाह सुधारने के लिए किया गया है, तो 48 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, USA में। 49 है क्वेश्चन दोस्तों, धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीज को छिटक कर बोना किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है 50, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कनोला प्रजातियाँ संबंधित हैं, इनमें से आपको बताना, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कनोला प्रजातियाँ सरसों से संबंधित हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, पूर्वा किसकी नवीनतम प्रजाति है, पूर्वा इज द लेटेस्ट वैरायटी ऑफ मेज सोरघम व्हीट राइस, तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हीट की प्रजाति है। नेक्स्ट 52 है, मृदा में गंधक की कमी होती है जब उसका स्तर होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 से 10 ppm। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर है, तंबाकू में शीश की बीमारी का कारण क्या है, टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ बोरोन मैग्नीज कॉपर मोलिब्डेनम, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरोन की कमी से। नेक्स्ट
गन्ने का पहला ब्लाइट होता है, तो पहला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन इज कॉज बाय फंगी, बैक्टीरिया, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज, नॉन ऑफ द अबव। तो 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैग्नीज की कमी से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित इनमें से नहीं है, एक तरफ क्रॉप दी गई है, दूसरी तरफ वीट दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेज में ओरोबैंकी सुमेलित नहीं है। ओरोबैंकी या की बात करें तो यह एक पूर्ण जड़ परजीवी है, टोटल रूट पैरासाइट है, जो सोलेनेसी पौधों की जड़ों पर निर्भर होता है, जैसे तंबाकू, मिर्च, बैंगन, ये सभी। स्टाइगा या अर्ध परजीवी है, जो ज्वार, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी पर निर्भर होते हैं। और फेलिस माइनर गेहूं का प्रमुख खरपतवार होता है। इसका टेस्ट भार की बात करें तो 2 ग्राम होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा 2 ग्राम। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन नंबर है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य में से क्या है, द मेन एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। तो यहाँ पर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक उर्वरकों का उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। खेत की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशी, कवकनाशियों, शाकनाशकों व वृद्धि नियंत्रक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, रसायनों का प्रयोग नहीं होता है और इसके स्थान पर जीवांश पदार्थ वाले कृषि जैसे जैविक खाद, जैविक खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं और जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है और साथ ही साथ रसायनों के प्रयोग को कम किया जा सके, और इस खेती को कार्बनिक जैविक खेती कहते हैं। भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य की बात करें तो सिक्किम है, इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित इनमें से नहीं है, एक तरफ क्रॉप दी गई है, दूसरी तरफ वैरायटी दी गई है। तो 57 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, राई की प्रजाति वरदान यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन नंबर है, रशियन ज्वाइंट किस फसल की प्रचलित प्रजाति है। तो रशियन जाइंट इज पॉपुलर वैरायटी, बरसीम, बार्ले, काउपी फोडर, ओट। तो यहाँ पर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोम्बिया चारा इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित कार्बनिक खादों में किसका कार्बन नत्रजन अनुपात न्यूनतम है। तो यहाँ पर 59 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मूँगफली की खली इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन नंबर है, वारा लक्ष्मी किसकी संकर प्रजाति है। तो इनमें से आपको आंसर देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कॉटन की, कपास की वैरायटी है। नेक्स्ट 61 है, गोल्डन राइस मुख्य स्रोत है। तो गोल्डन राइस आपको बताना है किसका मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है इनमें से, एक तरफ क्रॉप है तो दूसरी तरफ हर्बिसाइड दिए गए हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना में एट्राजीन तृणनाशी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 63 है, मक्का आलू गेहूं की फसल पद्धति की फसल गहनता कितने परसेंट होगी। तो यहां पर 63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 300%। अगला क्वेश्चन है 64, मालवीय 305 प्रजाति है। तो यहाँ पर आपको बताना है मालवीय 305 किसकी प्रजाति है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुसुम की प्रजाति है। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से तृणनाशी की संस्तुति की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंडा मेथालीन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन नंबर, धान का सबसे अधिक उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, नहरों से सिंचाई होती है, प्रफुल्लन के समय और बाद धूप मिलती है, उपरोक्त सभी। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं ऑप्शंस इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में विभिन्न प्रांतों में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया था।
तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर की यहाँ पर यदि हम बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर बी पी पाल इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पत्रिका दी गई है, दूसरी तरफ प्रकाशन अवधि दी गई है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गौ संवर्धन मासिक पत्रिका जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है दोस्तों, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से एक तरफ शिक्षार्थी दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्मरण धारिता दी गई है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो भी पढ़ते हैं 70% यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 70 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अप्रोच है, दूसरी तरफ टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं, 70 का आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिविजुअल रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 71 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस बाय ICR के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, CACP, नन ऑफ दी अबव। तो 71 का आप लोग आंसर दीजिए, तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। नेक्स्ट 72 है क्वेश्चन नंबर, KGK का प्रतिभूत किया गया, KGK हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICR, UPCAR, गवर्नमेंट ऑफ UP। तो 72 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है प्रसार प्रतिनिधि, एक जन सेवक है, व्यक्तिगत सेवक है, प्रजातांत्रिक समूह नेता है, चयनित समूह नेता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जन सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट 74, सामूहिक चर्चा एक प्रसार तकनीकी है और सम्मिलित है। तो यहाँ पर 74 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समूह संपर्क में। 75, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय व्यवस्था इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम विकासखंड जनपद स्तर। 76, अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप इज सिचुएटेड एट पुणे, नासिक, हैदराबाद, बेंगलोर। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट 77, विश्व मौसम वैधशाला स्थित है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड एट। तो यहां पर 77 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रोम में स्थित है। नेक्स्ट 78, सोलर रेडिएशन किस यंत्र से नापा जाता है। तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पाइराइनोमीटर से। अगला है 79, फसल पारिस्थितिकी निम्न में से किन कारकों के साथ व्यवहार करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों जैव कारक और अजैव कारक। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट धान का नहीं है, इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लैम्पिडिस बाइटिकस धान का कीट नहीं है। नेक्स्ट 81 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है, क्रॉप दिया गया है, दूसरी तरफ इंसेक्ट दिया गया है। तो 81 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चना में आरा मक्खी कीट नहीं लगता, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। और आरा मक्खी की बात करें तो सरसों या राई की फसल में आरा मक्खी कीट लगता है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन नंबर है, कीट संख्या घनत्व जिस पर कीट नियंत्रण उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जो बनेगा, ETL इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक कीटनाशी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड।
तो यहाँ पर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोफ्यूरॉन। 84 क्वेश्चन नंबर है, एट्रोपीन सल्फेट का प्रयोग होता है, तो एट्रोपीन सल्फेट का प्रयोग किस में होता है, तो यहाँ पर 84 का आप लोग आंसर दीजिए। राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों, तो राइट जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटीडॉट के रूप में। 85 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी इनमें से है, तो मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी इनमें से इंडोसल्फान है। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन नंबर, एकेरिसाइड्स का प्रयोग किसको नष्ट करने के लिए किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइट्स को नष्ट करने के लिए एकेरिसाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रासी सूट रोग प्रायः किस फसल से संबंधित है, तो यहाँ पर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुगर कैन से संबंधित है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर, मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा फैलता है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट स्प्रेड थ्रू, तो यहाँ पर 88 का आप लोग आंसर दीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो मूंगफली का टिक्का रोग फफूदी के द्वारा फैल। 89 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, तो सूची फर्स्ट में क्रॉप दी गई है और सूची सेकंड में डिजीज दी गई है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कीजिए। तो ऑप्शन ए में बाजरा दिया गया है, बाजरा का मिलान जो हो जाएगा अर्गट, और सोयाबीन का मिलान हो जाएगा बड ब्लाइट से, और अरहर की बात करें तो अरहर का जो मिलान हो जाएगा स्टरलिटी मोजैक से, और गेहूं का मिलान हो जाएगा करनाल बंट से, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। कथन ए दिया गया है, पायरिला परफ्यू से ला गन्ने का एक चूसक कीट है जो अप्रैल से अक्टूबर तक सक्रिय रहता है, कारण आर है, यह कीट जैविक विद्यार्थियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो कूट यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट 91 है, एग्रोसान जीएन का प्रायः प्रयोग किया जाता है, तो किसके उपचार के लिए, यहाँ पर आपको बताना है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बीज उपचार के लिए। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन नंबर है, खनिज मृदाओं का सीएन रेशियो होता है, तो यहाँ पर 10 से 12। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मृदा का प्राथमिक खनिज नहीं है इनमें से, तो 93 का आप लोग आंसर दीजिए, क्या बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, डोलोमाइट। नेक्स्ट सैलाइन अल्काली सोयल्स आर करेक्टराइज्ड बाय, तो यहाँ पर 94 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनेगा, उच्च सोडियम एवं उच्च पीएच मान। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, क्षारीय मृदाओं में विस्तृत कमी होती है, तो क्षारीय मृदाओं में आपको बताना है किसकी विस्तृत कमी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फास्फोरस की कमी। नेक्स्ट 96 है, निम्नलिखित खनिज समूहों में से कौन सा समूह की का मूल स्रोत है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है, तो 96 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा, फेल्डस्पार एवं माइका। नेक्स्ट 97 है, पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, निचली पत्तियों पर, मध्य पत्तियों पर, शेष की पत्तियों पर, सभी पत्तियों पर, तो 97 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीर्ष की पत्तियों पर। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर है, अधिकतम लाभ होता है जब, आपको यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमांत लागत इक्वल सीमांत आय। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसे निमग्न लागत भी कहते हैं, तो यहाँ पर 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिक्स कॉस्ट नियत लागत को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन का एक प्रमुख संगठन इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राज्य कृषि विपणन परिषद। नेक्स्ट
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है, नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्ड पेपर कैप्सिकम फ्रूटीसेंस, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सावर ऑरेंज सिट्रस मार्टिफोलियो। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन नंबर, सिट्रिज संकर है, तो यहाँ पर सिट्रिज आपको बताना है किसका संकर है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पन सिरप ट्राइफोलिएटा इक्वल सिट्रस सेनेंसिस। नेक्स्ट 104 है, अंबिका सकर है, तो अंबिका आपको बताना है संकर किसका है। तो अंबिका इज ए क्रॉस बिटवीन, किसका क्रॉस है, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद का क्रॉस है। नेक्स्ट, लहसुन का कुल इनमें से आपको बताना है, गार्लिक बिलोंग टू द नेचुरल ऑर्डर, तो 105 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एमेरी लीडेसी। नेक्स्ट है, बैंगन में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन स्टाम की दर क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व। नेक्स्ट है, पपीते की बीज दर आपको बतानी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 107। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है, अमरूद के फलों में कौन सा अम्ल प्रमुख है इनमें से, तो 108 का आंसर आप लोग दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सिट्रिक एसिड इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, स्प्राउटिंग ब्रोकोली की बीज दर क्या है इनमें से, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, पपीन का सर्वाधिक उत्पादन किस आयु के फलों से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिनों की आयु के, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में फल है और सूची सेकंड में किस्म दी गई है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा, ए का 4, बी का 3rd और सी का 2nd और डी का 1st। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में फल है, सेकंड में रोग दिए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, बी का 3rd, सी का 2 और डी का 1st। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्ट द क्लाइमेटिक फ्रूट, इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पपीता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक ऑक्सीजन है इनमें से, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। नेक्स्ट, मौलिक हाइड्राजाइक 40% जल मिश्रणीय चूर्ण का 200 ppm के 10 लीटर घोल के लिए रसायन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर 5 ग्राम। नेक्स्ट है, फल व सब्जी के पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल व सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के कारण। नींबू वर्ग बहुभ्रूणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो यहाँ पर 117 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, केवल 1st ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुभ्रूणी पौधे मात्र वक्ष के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 118 है, फूलगोभी के ह्यूपटल रोग का कारण इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोलिब्डेनम की कमी से। नेक्स्ट, निम्न में से किस कारण से पात गोभी में पर परागण होता है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्व अनिश्चितता। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, C3 पौधों के समूह का चयन करें, इनमें से कौन सा C3 पौधे के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टमाटर और सलाद C3 पौधे के अंतर्गत आते हैं। C3 पौधे के अंतर्गत अन्य फसलों की बात करें तो यहाँ पर धान गेहूँ जौ दलहन फसलें ये सभी जो हैं C3 पौधे के अंतर्गत आते हैं।
और C4 पौधों की बात करें तो C4 पौधों के अंतर्गत गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, चौलाई, ये सभी जो हैं C4 पौधों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये रहे 120 क्वेश्चंस आपने इस क्लास में सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट 6 के, और इसी तरह आपको UPSC STA के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, इसी तरह से आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।